बोकारो सेक्टर 4 के मोहन कुमार मंगल स्टेडियम में चल रहे होमगार्ड बहाली प्रक्रिया के पहले दिन गुरुवार को जरीडी प्रखंड की बहाली की प्रक्रिया निर्धारित थी और कसमार को शुक्रवार, परंतु बारिश की वजह से फील्ड में कीचड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण विद्यार्थियों को दिक्कतें हो रही थी। इन सब का विरोध करने के बाद भी प्रक्रिया को रद्द नहीं किया गया। वहीं कसमार के लोगों का विरोध का सामना अधिकारियों ने किया। इसके विरोध में जरीडी से श्रीपद साहू जरीडी प्रखंड अध्यक्ष व कांग्रेस के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने उपायुक्त कार्यालय में जाकर उपायुक्त को आवेदन सौंपा। मौके पर मौजूद बोकारो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय पांडे ने कहा कि झारखंड सरकार नियुक्ति निकाल रही और अधिकारी दोहरी नीति अपनाकर सरकार की छवि को धूमिल कर रही है। साथ ही NSUI के प्रदेश महासचिव प्रताप शेखर और चंदन कैरी अध्यक्ष धर्मवीर राउत, शत्रुघ्न सिंह, प्रखंड सचिव नीलकंठ मरांडी, प्रखंड उपाध्यक्ष मनोहर महतो, प्रखंड महासचिव इत्यादि मौके पर मौजूद रहे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। क्या है कि हम लोग का जो झारखंड सरकार है वो वैकेंसी पहले नहीं निकाल रहा था तो लोगों को दिक्कत था। अब जब वैकेंसी निकाल रहा है तो अधिकारी लोग अपने मनमानी करके दोहरा नीति कर रहे हैं। जब वहाँ कसमार वाला जब आप कैंसिल किए हैं तो जेडी को क्यों नहीं कीजिएगा कैंसिल? इसी का मांग को लेकर सारे लोग यहाँ पे आए थे, DC साहब को अपना आवेदन दिए हैं। अब DC साहब के हाथ में अगर सोमवार तक हम लोग इंतजार करेंगे, अगर उनका कोई निर्णय आता है तो ठीक है, और नहीं अगर होता है तो हम लोग सड़क से फिर सदन तक आंदोलन करने के लिए युवा कांग्रेस।